जलौका पढ़ने से पहले जो हम लोग अभी पढ़ के आए हैं क्षारकर्म और अग्निकर्म, उसको फास्ट रिवीजन करते हैं थोड़ा सा। हमने पढ़ा शास्त्र और अनुशास्त्र में क्षार श्रेष्ठ होता है, क्यों होता है आपको पता है, छेद्य भेद्य लेख्य कारणा, जैसे करके वहां पे श्लोक पढ़ा था। आवाज आ रही है ना? यस सर, यस सर। हृदय का भी सूत्र लिखा हुआ है। फिर वहां पे हम लोगों ने मृदु क्षार, मध्यम क्षार और तीक्ष्ण क्षार पढ़ा था। मृदु को संव्यूहम बोलते हैं और तीक्ष्ण को क्या बोलते हैं, पाक के पढ़ते हैं, ऐसा हम लोग पढ़ के आए हैं। प्रतिभाव के बारे में हमने आपको वहां पे बता रखा है, किसमें कितना प्रतिभाव डालते हैं, ये भी आपने वहां पे पढ़ा हुआ है। कैसे बनाते हैं ये श्लोक में प्रोसेस था, उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, बस उसको एक बार रीडिंग लगा लीजिएगा। गुण कितने होते हैं, सूत्र के अनुसार 8 होते हैं इसके, और चरक और बागभट्ट के अनुसार 10 होते हैं। कौन से 2 एक्स्ट्रा हो जाते हैं बागभट्ट के अनुसार, किसी को याद है? 2 जो बढ़ जाते हैं कौन कौन से हैं सर? वो शिखरी वाला, शिखरी सर, शिखरी और सुख निर्वाप, शिखरी सुख निर्वाप, जो 2 बढ़ जाता है तो वो एक्स्ट्रा मिला के 10 हो जाता है। और शुक्ल की जगह पे क्या प्रयोग किया है उन्होंने, सिद्ध शब्द, ठीक है, शुक्ल की जगह भागवत में शब्द थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो ये हम आपको बता चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। और 8 जो दोष होते हैं वो भी आपको याद रखना है ना, अतिमार्द, श्वेत्य, ओष्ण, तैक्ष्ण, पैक्षिल्य, सर्पिता, सब इसका मतलब आप लोग पढ़ चुके हैं। जिसका छूटा हुआ है लेक्चर यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, वहां से वो देख सकता है। क्षार में रस अम्ल नहीं होता है, शेष 5 होते हैं, और ये कौन सा रस प्रधान होता है, डलन का उल्टा होता है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, याद आ रहा है? यस सर, ये भी जानते रहिएगा। फिर इसके बाद प्रतिसारणी क्षार कहाँ देते हैं, पानी क्षार कहाँ देते हैं, वो बुक से ही पढ़िएगा, है ना। पानी क्षार गर्भ इसमें है, और किसमें किसमें कॉमन है वो भी अर्श, विष और कृमि दोनों में है ना। कंट्राइंडिकेशन कहाँ कहाँ पे है, बालक है, दुर्बल है, वृद्ध है, रक्त पित्त है, भ्रम, मद, मूर्छा, इन सब में क्षार कर्म जो है कंट्राइंडिकेटेड है, क्षार का कर्म क्षार देना मना किया गया है। और जो बनाने के लिए जो द्रव्य लेते हैं किस ऋतु में लेते हैं, शरद ऋतु में, शरद ऋतु। और वृक्ष कैसा होना चाहिए, मध्यम आयु और बड़े आकार का होना चाहिए। अग्नि प्रज्वलन तिल नाल से करते हैं, याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। मध्यम क्षार के निर्माण के लिए कौन कौन सा द्रव्य लेंगे, तीक्ष्ण क्षार के निर्माण के लिए कौन कौन सा, यहाँ पे नोट से इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। और निर्माण के 7 दिन बाद क्षार को प्रयोग में लाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर? यस सर, पढ़ चुके हैं। फिर उसको हम तीक्ष्ण क्षार किसको कहेंगे, मृदु क्षार किसको कहेंगे, अति तीक्ष्ण किसको कहेंगे, ये भी पढ़ चुके हैं कि 100 के पहले ही जला देगा तो अति तीक्ष्ण हो जाएगा, और 100 गिनती तक जलाएगा तो तीक्ष्ण होगा, और 100 के बाद भी नहीं जला पाएगा तो मृदु क्षार होगा। और एक ट्रिक हमने आपको बताया था, लेघक क्या था, लेखन था, घर्षण था और प्रच्छान था। वातिक दोष में अगर क्या करना है, क्षार लगाना है तो वहां पे पहले लेखन कर्म करेंगे, पित्तज अगर दोष है वहां पे घर्षण करेंगे, और कफज दोष में प्रच्छान, ठीक है। और एक सामान्य नियम क्या है, बगल में बॉक्स बना के लिखा हुआ है, क्षार पातन के पश्चात 100 मात्रा काल तक वेट करते हैं, 100 गिनने तक वेट करते हैं। फिर कहाँ कहाँ कंट्राइंडिकेटेड है क्षार कर्म, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, रक्त पित्त, रजस्वला, गर्भिणी, प्रमेही, छलछीण, तृष्णा, फल योनि, है ना। तो ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी एक बच्ची ने जवाब दिया कि जहां जहां क्षार कर्म निषिद्ध है वहीं पे अग्निकर्म निषिद्ध है, आप वहां भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्षार को विष, अग्नि, शस्त्र, शनि, मृत्यु, कल्पह बताया गया है सोशल सूत्र 11 में। थोड़ा सा इसी को हमने चरक से कंपेयर किया था, चरक में भी ऐसा श्लोक आया सूत्र 1 में, यथा विषम यथा शस्त्रम यथा अग्निर शनिर यथा, ऐसा कुछ करके वहां पे हम लोग पढ़ते हैं, है ना। कि अगर द्रव्य के गुण कर्म के बारे में जानकारी नहीं है तो जैसे विष, जैसे शस्त्र, जैसे अग्नि और इंद्र का वज्र खतरनाक होता है, वैसे ही बिना जानकारी के कोई औषधि भी खतरनाक हो जाती है, ऐसा वहां भी। और अधिक समय तक सेवन करने से क्या करता है क्षार, उन शब्दों का नाश करता है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, समझ में आया। अगला हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था अग्निकर्म के बारे में,
तो सबसे पहले क्या बात आती है कि शरद और ग्रीष्म में नहीं करना, ठीक है, शरद और ग्रीष्म में नहीं करना है। त्वक में करना है तो पिप्पली अजाशक्रित गोदंत शर सलाका से करना है, मांस में करना है तो जांबोश से करना है ना, और शिरा स्नायु संधि और अस्थि में करना है तो मधु गुड़ स्नेह सजरस मधुचिष्ट इन सभी से करना है। संग्रह कार्य के अनुसार इसके अतिरिक्त सूर्यकांत मणि सूची कांस्य स्वर्ण ये नोट से पढ़िएगा, ठीक है, ये संग्रह वाला वहां पे विमर्श में मैंने अच्छे से बताया था, इसको याद करने के लिए माजा बनाया था मैंने, है ना, माजा, मां से मांस, जा से जांबोश, माजा से याद किया था इसको मैंने। और पैग लगाते हैं, पी ए जी, पैग कहाँ लगाते हैं, स्किन, त्वक, त्वक गत में क्या है, पैग, पी ए जी, पिपली अजाशक्रित और गोदंत शर शलाका। निषिद्ध ऋतु मैंने बता दिया, अग्निगर्भ से पहले पिच्छिलन देते हैं ये भी हमने बता दिया, और मूल गर्भ अर्श अश्मरी भगंदर मुख रोग इन सभी में अग्निगर्भ करना है तो भोजन नहीं देते। सुश्रुत के अनुसार चार होते हैं दहन के प्रकार, वाग्भट के अनुसार सात होते हैं, अभी बच्चे ने बताया भी। फिर उसके बाद अग्निदग्ध के लक्षण क्या बताया था मैंने, त्वचागत मांसगत सिरा और संधि और अस्थिगत। तो त्वचा में क्या होता है, एसटीडी बताया था, मांस में कबूतर का सूखा मांस ऐसा कुछ करके लिखाया था कल आपको याद करने के लिए। सिरा में क्या था, श्राव सन निरोधश ऐसा वहां पे आया था, सिरा वहीं पे ऑब्लिक करके स्नायु भी लिखा हुआ है, तो सिरा और स्नायु में कृष्ण उन्नत व्रण और श्राव सन निरोध, और संधि और अस्थि हमने आपको बताया था ऐश से संधि, है ना, तो फिर वहां पे क्या है, रोक्ष है अरुण है कर्कश हो जाता है। इसके बाद क्या है, श्लीपद आंध वृद्धि अपची हर्ष में अग्निकर्म कराते हैं, सम्यक दग्ध होने पे अभी यही पूछा था शहद और घृत का लेप लगाते हैं, कहाँ कहाँ निषिद्ध है, पित्त प्रकृति में, अतिसार में, अंतर्गत शल्य में, भिन्न कोश, जिसको हम लोगों ने क्या कहा था, भिन्न कोश क्या बताया था, दुर्बल बालक वृद्ध इन सभी में, और जहाँ पे स्वेदन कर्म कंट्राइंडिकेटेड होता है वहां पे अग्निकर्म भी निषिद्ध होगा, साथ ही साथ कुष्ठ रोगी में भी। फिर इसके बाद दग्ध के चार प्रकार पीडीएस से बताया था आपको, क्या था, इतरथा दग्ध का भेद, इतरथा दग्ध चार प्रकार के क्या था उसमें, पीडीएस से प्लुष्ट सम्यक दुर्दग्ध फिर सम्यक और अतिदग्ध, नीचे चार्ट बना है, इस चार्ट में सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, बट आपको ओरिजिनल कंटेंट याद रखना पड़ेगा, लक्षण यहाँ पे हिंदी में लिखा है, आप बुक से ऐसे चार्ट बनाएंगे और उसको लक्षण को संस्कृत में याद करेंगे, ठीक है, हिंदी में नहीं याद करेंगे, समझ में आया कि नहीं, ओरिजिनल कंटेंट रख के पूछता है एकदम लक्षण, तो पीडीएस से सबका ओरिजिनल ओरिजिनल याद रखें, मांस अवलंबन था वहां पे बताया था मैंने, चिकित्सा में आपको बताया कि सबसे पहले जो है विपरीतार्थकारी चिकित्सा लगता है, वैसे ही जला हुआ है तो उसको और उष्ण चिकित्सा करते हैं, किसमें, प्लुष्ट दग्ध में, वाग्भट ने इसी को तुथ कहा था, है ना, और दुर्दग्ध में क्या करते हैं, शीत और उष्ण दोनों, ठीक है। पहले गर्म चाय है, फिर दूसरे में ठंडा गर्म है, फिर उसके बाद पित्त विदर्धि के समान चिकित्सा है ना, और चौथे में क्या है, सर्प की अति, पित्त विसर्प के समान चिकित्सा करते हैं। सर जो कुष्ठ रोग में अग्निकर्म नहीं करते हैं, ये चरक नहीं बोला है, संस्कृत में नहीं बोला है ना, याद रखिए चरक में भी आया है, बस आपको इतना पूछे किस में नहीं कराते हैं, किसके अनुसार है वो कभी नहीं पूछा गया यहाँ पे इस केस में। और सभी अग्निदग्धों में रोपणार्थ श्रेष्ठ क्या होता है, ग्रित है, ये थोड़ा सा हम बुक में आएंगे अभी, बाकी देख लेते हैं कुछ और अगर बचा होगा तो, रक्त विश्रावण अभी नहीं पढ़ाना है मुझे, देख लेते हैं इसमें जो बचा मिल रहा है। देख लीजिए इसको भी, अभी दो मोह बहुत है वहां से पढ़ाएंगे, एक्चुअली हेडिंग चल रही है जलाव का और हम लोग पढ़ रहे हैं कुछ और, कोई बात नहीं। देख लीजिए यहीं पे
धूमोपहर, जैसे मान लीजिए कि कहीं धुएं बहुत ज्यादा हो गया है, वहां पे इनहेलेशन में ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है, बुक में भी आई है, यहाँ पे सारांश दे रखा है, तो मैं उसको आपको बता रहा हूँ। सफोकेशन बाय स्मोक, बहुत ज्यादा अगर स्मोक हो जा रहा है उससे सफोकेशन हो जा रहा है, तो सबसे पहले याद रखिएगा कि सर्वरस का ज्ञान, श्रवण और गंध शक्ति इसका नाश हो जाता है। मतलब ना तो टंग काम कर रही है, श्रवण यानी कि ना तो कान काम कर रहा है, गंध यानी कि ना तो नाक काम कर रहा है, तो तीनों इंद्रियां कार्य करना बंद कर दे रही हैं। ठीक है, जिह्वा, नासा और कर्ण तीनों कार्य करना बंद कर दे रही हैं धूमोपात में। चिकित्सा में ट्रिक से याद करेंगे, क्योंकि ये सीक्वेंस है, एरो बना हुआ है, एरो दिख रहा है। Yes. तो एक हम लोग शब्द प्रयोग करते हैं, बख्शीश देते हैं, याद आ रहा है ऐसा कुछ, किसी को बख्शीश देते हैं, ऐसा टर्म यूज करते हैं ना, तो उसी से मैंने इसको बनाया, बख्शीश, बख्शीश, व से वमन, क से कवल, शी से शिरोविरेचन, और लास्ट में आता है आपका अन्न सेवन। तो ये सीक्वेंस पूछता है कि धूमोपहत का चिकित्सा का क्रम क्या है, अगर आपको बख्शीश पता है तो ब से बमन, क से कवल, शी से शिरोविरेचन और लास्ट में अन्न, तो बख्शीश याद रखिएगा धूमोपहत की चिकित्सा का क्रम। फिर इसके बाद आता है धूप लग गया बहुत ज्यादा, हीट स्ट्रोक हो गया, आपको पता है कि अगर धूप से आए हैं हीट स्ट्रोक हो गया तो ठंडा ठंडा कूल कूल कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, माजा पीते हैं, थम्सअप पीते हैं ठंडा ठंडा, इसमें कोई रटने वाली चीज नहीं है। उष्ण वात आतप दग्ध में हीट स्ट्रोक अगर हो जा रहा है तो शीत उपचार करते हैं, और स्नेह दग्ध की चिकित्सा में क्या करते हैं, रूक्ष उपचार करते हैं, जैसे अगर तेल वगैरह से जल गया है, घी से जल गया, तो वहां पे रूक्ष उपचार करते हैं, ये भी याद रखिएगा। शीत व वायु से दग्ध हो जाने पे उष्ण व स्नेह, ये भी कई बार पूछा गया, अगर स्नेह से दग्ध है तो रूक्ष उपचार पूछा गया कई बार, और अगर शीत व वायु से दग्ध हो गया है तो शीत का उल्टा उष्ण, विशेष की बात करें तो शीत का उल्टा क्या हो जाएगा, उष्ण, उष्ण, और वायु कैसा होता है, रुक्ष, क्या होगा, तो शीत और वायु की चिकित्सा में कैसे करेंगे दग्ध में, उष्ण और स्निग्ध उपचार। तो यहाँ पे विशेष सिद्धांत लग रहा, सामान्य विशेष सिद्धांत, वैसे ही स्नेह दग्ध में भी आपको रुक्ष चिकित्सा करनी है। और इंद्र वज्राग्नि दग्ध में, इंद्र वज्राग्नि दग्ध में कभी कभी देखा आपने बिजली गरजती है, बिजली चमकती, कभी बिजली गिर जाती है तो उससे ले सकते हैं, कभी बिजली चमकी और उससे कोई अगर किसी को कोई जल गया है, तो ऐसे केस में दग्ध में स्नेह अभ्यंग परिच्छेक प्रदेह है ना, तो इतनी चिकित्सा सुश्रुत में बताई गई है, तो याद रखिएगा इंद्र वज्राग्नि दग्ध में। अब कोई इंद्र के वज्र से तो जल नहीं जाएगा, इसका मतलब वही होता है कि अगर कोई बिजली चमक रही है, अगर उससे जल गया है, तो वहां पे आपका स्नेह अभ्यंग परिचेक और प्रदेह, ये चीजें। तो हमने यहाँ पे आपको धूमोपहत भी बता दिया, और स्नेह दग्ध की चिकित्सा क्या करेंगे, शीत और वायु से दग्ध में चिकित्सा कैसे करेंगे, हीट स्ट्रोक में क्या करेंगे, और इंद्र वज्राग्नि दग्ध में क्या करेंगे। ठीक, कुछ तो पूछना है, घर में कभी जल जाए कोई तो घी में क्या मिलाना चाहिए, नमक मिलाना चाहिए और तुरंत लेप कर देना चाहिए, ब्लिस्टर्स फफोले नहीं पड़ेंगे वहां पर, देसी घी में। आगे देखिएगा, चैप्टर कहीं आएगा, आएगा, अभी जो कि हम लोग जलौका पढ़ने जा रहे हैं, तो उसके पहले एक टॉपिक यहाँ पे नोट्स में है, तो उसको हम बताना चाहते हैं आपको, रक्त विश्रवण। रक्त विश्रवण क्या है कि रक्त मोक्षण जैसे करा रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ी चीजें हम जान, पहले तो देखिए बगल में पेन से लिखा हुआ है, रक्त विश्रवण के लिए शस्त्र कौन कौन से हैं, याद आ रहा है, पांच शस्त्र हम लोगों ने पढ़े थे अभी, तीन तो मुख वाले थे, त्रिगोचक था और पुष्पत्र था, पुष्पत्र वो यहाँ पे लिखा हुआ है, सूची भी था। हम लोग पढ़ते हैं चरक में कि बस्ती कर्म को अर्ध चिकित्सा कहा जाता है, पढ़ते हैं, यस सर, यस। सुश्रुत में दो जगह अर्ध चिकित्सा शब्द प्रयोग किया गया है, कहाँ कहाँ, एक तो आपके सामने लिखा हुआ है शिरा व्याध अर्ध चिकित्सा, शल्य तंत्र, मतलब शल्य तंत्र में शिरा वेद को अर्ध चिकित्सा कहा गया है, ठीक है, शारीर में हम लोग पढ़ेंगे आठवें चैप्टर में, और बेसिकली इसको हम वहीं पढ़ाना चाहते थे जब हम आपको शारीर आठ पढ़ाएंगे, जब शिराएं पढ़ाएंगे, अवैध शिराएं आपने एनाटॉमी में रचना में पढ़ रखा है, वहां भी रिविजन हो जाएगा, फिलहाल यहाँ पे हम
पास पढ़ाएंगे अभी, जिससे आपको जलौका वगैरह पढ़ने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। फिलहाल एक तो हो गया शिरा वैद्य, वैसे ही मर्म चिकित्सा जब हम लोग पढ़ते हैं मर्म के बारे में याद आ रहा है? यस सर। फर्स्ट ईयर में आपको मर्म पढ़ाया जाता है ना, तो मर्म के बारे में भी अर्ध चिकित्सा ऐसा कुछ वहां भी शायद आया है, शायद नहीं कंफर्म आया है, अगर याद हो तो। शल्य विषय अर्ध जो भी है उस वहां भी अर्ध आया है, शिरावेद में भी आया है और बस्ती कर्म के लिए भी आया है, तो ये याद रखिएगा। रक्त विश्रावण को सप्त उपक्रम में द्वितीय स्थान, एक पॉइंट दिख रहा है? यस सर। व्रण शोध के सात उपक्रम, अगर आप शल्य के स्टूडेंट हैं तो आपको ये बताया गया होगा सात उपक्रम व्रण शोध के, पढ़ा है किसी ने? आदो विमलापनम कुरिया द्वितीयम अवशेषनम, ऐसा कुछ करके कभी पढ़ाया गया है? यस सर। तो उसका भी ट्रिक है बता दे रहा हूँ, वी र उ पाशो रोवे, लिख लीजिए वी र उ वी र, र फॉर रस्सी, उ फॉर उल्लू, विरऊ पा, पा से पानी, शो शंकर वाला शब्द शो, फिर उसके बाद रो रो, लास्ट में वै, विरऊ पाशो रो, वे साथ हो गया। साथ हो गया सर। ये इसी सीक्वेंस में हमको याद रखना है, जो सातों उपक्रम है वर्णशोध के हमको इसी सीक्वेंस में याद रखना है, सीक्वेंस आगे पीछे नहीं हो सकता, इसीलिए ट्रिक बनाना पड़ा है। तो पहले विमलापन है, विमलापन करेंगे, फिर उसके बाद रक्त मोचन करेंगे, रक्तावसेचन है ना, उसके बाद जो बाकी पांच बचता है जब वहां पे आपको पढ़ाएंगे सात उपक्रम तो वहां पे बताएंगे। फिर जो रक्त विश्रावण है उस सप्त उपक्रम में किस नंबर पे आता है? ठीक है। इसके बाद रक्त विश्रावण के लिए कौन कौन सा उपक्रम, तो शस्त्र आपको पता ही है, इसके साथ ही साथ श्रृंग जलौका और अलाबू का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। भूमिका यहीं से बनाना हमने शुरू किया है कि श्रृंग जलौका और अलाबू, अगर हम श्रृंग जलौका अलाबू की बात करते हैं आगे बढ़ेंगे, सुषुर सूत्र आठ में हम लोगों ने सूत्र आठ में पढ़ा हुआ है कि बालक वृद्ध भीर सुकुमार नारीणाम राज्ञाम राजपुत्रम इनके लिए त्रिकूर्चक से विश्रावण करते हैं, ऐसा पढ़ रखे हैं ना, त्रिकूर्चक जिससे मुरब्बा जैसे आंवले को छेदन करते हैं, मतलब मुरब्बा बनाते समय वैसे ही त्रिकूर्चक होता है। कहाँ प्रयोग किया हुआ है? बालक वृद्ध भीर सुकुमार नारी। इसके बाद रक्त विश्रावण या रक्त मोचन के दो जो भेद बताए गए हैं उसमें पहला दिया हुआ अशस्त्रकृत। अब जैसे श्रृंग है, श्रृंग सिंह को बोलते हैं, जो जानवरों की सिंह होती है उसको श्रृंग बोल रहे हैं है ना, तो श्रृंग कोई शस्त्र तो है नहीं, यह है तो भाई अशस्त्रकृत में आपका श्रृंग भी आ गया, जोंक भी आ गया और अलाबू भी आ गया है ना। तो यहाँ पे देखिएगा श्रृंग जलौका अलाबू, हमारा क्रम कभी भी नहीं टूट रहा है, हम कभी भी श्रृंग अलाबू और जलौका नहीं बोल रहे हैं, बार बार क्या बोल रहे हैं? श्रृंग जलौका और अलाबू। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वात पित्त कफ क्रमशः वात में फिर पित्त में और कफ में इनको हम यूज करते हैं, तो श्रृंग का प्रयोग कहाँ करते हैं? वातज रोगों में। जलौका कहाँ करेंगे? पित्त रोगों में। सो गए क्या सर? जग रहे हो सर? श्रृंग जलौका अलाबू सजा एस जे ए सजा, एस फॉर श्रृंग, जे फॉर जलौका, ए फॉर अलाबू, क्रमशः वात पित्त और कफ में प्रयोग करते हैं। ये तो इम्पोर्टेंट था ही किस दोष में किसका प्रयोग करते हैं, यहाँ पे पॉइंट वाइज सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब आपको हम बुक कभी पढ़ाएंगे चैप्टर तो और क्लियर हो जाएगा, यही सब पूछा जाता है जो आपके सामने आने वाला है, कुछ अलग से नहीं पूछा जाता है।
पहला लिखा हुआ है श्रृंग के बारे में, श्रृंग से तात्पर्य क्या है, गो श्रृंग ब्रैकेट में लिखा हुआ है, उसका गुण कैसा होता है, उष्णम होता है वीर में, मधुर होता है और इष्लक्षण होता है, यानी कि जो श्रृंग है वो कैसा लेना चाहिए, उष्ण मधुर और इष्लक्षण, याद रहेगा, याद करने के लिए वहां पे हमने एस यू एम सम लिखा हुआ है, एस फॉर इष्लक्षण, यू फॉर उष्ण और एम फॉर मधुर। दस अंगुल तक रक्त मोक्षण करता है ये श्रृंग से, मैक्सिमम कितने अंगुल तक रक्त मोक्षण हो सकता है, दस अंगुल। ये दस अंगुल आप स्किन की लेयर से ले सकते हैं, कि स्किन की लेयर से दस अंगुल डीप तक रक्त मोक्षण कर सकता है, ठीक है ना। ये तो था दस अंगुल तक रक्त मोक्षण संभव है। अगला जो अंगुल बता रहा है वो ये बता रहा है कि जो आप सींग लेंगे, जो जानवर की सींग लेंगे उसकी लंबाई कितनी होगी, कितना लंबा लेंगे, 18 अंगुल लंबा और 3 अंगुल व्यास का, 3 अंगुल व्यास का, जो उसका व्यास होगा वो कैसा हो जाएगा, 3 अंगुल का, ठीक। तो याद रखिएगा 18 × 3 याद रखिएगा, और उसमें जो छेद होगा वो छेद कैसा होना चाहिए भाई, एक हिस्सा उसका बड़ा होगा भाई, आपने सींग अगर आपने कभी वो देखा होगा, हम लोग रुद्राभिषेक करते हैं तो वो भी एक श्रृंगाकार ही होती है संरचना, देखा है उसको, यस सर, यस सर, होता है उसी छेद की बात कर रहे हैं, वो छेद कैसा होना चाहिए, और जहां से दूध डालते हैं वो कितना व्यास का होना चाहिए, 3 अंगुल व्यास का होना चाहिए, बात समझे कि नहीं, हम समझाने के लिए बता रहे हैं सिर्फ, क्लियर जी सर। लंबाई उसकी कितनी होगी, 18 अंगुल। सरसप वध मतलब उस छेद में से एक सरसप का दाना, सोचिए सर 18 अंगुल, एक सरसप का दाना निकल जाए सिर्फ इतना छोटा वो छिद्र होना चाहिए, है ना। इसके बाद दूसरा आता है जलौका पे, पहले हम रहेंगे, हम जिस सीक्वेंस में बोल रहे हैं उसी सीक्वेंस में हम बताएंगे। तो जलौका का प्रयोग पित्त दृष्टि में करते हैं, याद रहेगा, एक हस्त परिमाण तक रक्त मोक्षण संभव है, याद रखिएगा, कितना करेगा, एक हस्त परिमाण तक, याद रहेगा ना, वो कितना था, 10 अंगुल हस्त परिमाण है। फिर इसके बाद आ जाइए वहीं पे अलाबू में ही, अलाबू का गुण कैसा है, कटु रूक्ष और तीक्ष्ण, याद करने के लिए वहां पे हमने आर के टी रक्त बना लिया है, आर फॉर रूक्ष, के फॉर कटु, टी फॉर तीक्ष्ण, 12 अंगुल तक रक्त मोक्षण कर सकता है, और यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई 12-18 है, 12 और 18। अंकिता आवाज आ रही है, हाँ सर आ रही है, आ रही है, गुड। आपको बताना है शस्त्र कोश की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, कौन बताएगा, बारह इंटू नौ किसने बताया है, चलो ये 12-18 होता है आपका अलाबू, और फिर जलौका के बारे में क्या बताया हमने आपको, एक हस्त परिमाण तक। फिर इसके बाद ये तो हुआ अशस्त्र के, मतलब बिना शस्त्र के, शस्त्र वाला 2 तरीके का है, प्रच्छान और शिराभेद। प्रच्छान कहाँ करेंगे, रक्त के पिंडीभूत, जहाँ पे क्लॉट टाइप का बना रहेगा, अगर वहां पे करना है अगर आपको रक्त श्रावण, तो किससे करेंगे, मतलब किस तरीके से करेंगे, प्रच्छान के रूप में, या जहाँ पे अल्पदोष रहेगा। शिराभेद क्या करेंगे, अवगाढ़तम या सर्व शरीर गत, अवगाढ़ और सर्व शरीर, अवगाढ़ मतलब बहुत डीप से अगर आपको करना है, या सर्व शरीर अगर दोष पूरे शरीर में फैले हुए हैं तो आपको शिराभेद करना पड़ेगा, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है सुश्रुत शरीर आठ का एक श्लोक है, जब वहां पे हम लोग पढ़ेंगे तो वहीं पे बताएंगे, है ना, यहाँ पे बताने कोई मतलब नहीं, सब 8वें चैप्टर का ही है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर दोष पिंडीभूत हैं तो क्या करेंगे हम लोग,
ये पिंडीभूत हैं तो प्रच्छन्न शरीर में है शिरावेद, और त्वचा पे अगर दोष हैं तो श्रृंग और अलाभु का प्रयोग करेंगे, और एक ऊपर छोड़ दिया हमने, अगर गंभीर धातुओं में दोष हैं तो जलौका। ये चारों पॉइंट ये इम्पोर्टेंट है, ये इसी श्लोक में आया है जो हम लोग शारीर में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे इसको आप जानते रहिए कि गंभीर धातुओं में अगर दोष है तो जलौका का प्रयोग, पिंडी भूत है तो वहां पे प्रच्छान कर्म करेंगे, और साथ ही साथ अल्प दोष होने पे भी प्रच्छान करेंगे। सर्व शरीर गत अगर है तो शिरावेद करेंगे, और त्वचा में है तो श्रृंग और अलाभु का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग अग्निकर्म क्षार कर्म निषिद्ध पढ़े हैं, वैसे रक्त मोक्षण कहाँ कहाँ नहीं करेंगे आपके सामने है, वहीं पे पढ़ेंगे। याद रखिएगा, अभी हमने आपको बताया था क्या अग्निकर्म से पहले क्या देते हैं, पिच्छिल अन्न देते हैं, यहाँ लिखा है रक्त मोक्षण से पहले क्या देते हैं, कंफ्यूजन होता है किसमें या वागु था किसमें पिच्छिल था, तो इसीलिए हमने आपको ट्रिक क्या बताया है, आगे और पीछे पीछे। तो रक्त मोक्षण से पहले या वागु पान कराते हैं, बाकी पांडु अर्श उदर गर्भिणी शोथ श्वेत इन सब में नहीं कराते हैं रक्त मोक्षण, याद रखिएगा। ये चैप्टर है जलौका वचारण, पहले यहाँ से देख लीजिए तब हम लोग बुक में आते हैं। अभी हमने बताया कि गंभीर धातुओं में जब दोष होते हैं तब वहां पे जलौका का प्रयोग करते हैं। अभी ऊपर देखा अपने चार पॉइंट जो हमने बताया था शरीर वाला, Yes, sir. वही यहाँ लिखा हुआ है कि जब गंभीर धातुओं में दोष होते हैं तो हमको जलौका का प्रयोग करना है। ठीक है, रक्त विश्रामण का परम सुकुमार तरीका है ये, परम सुकुमार मतलब बहुत इजी तरीका है। एक मूवी आई थी, कौन सी, अपरिचित, देखा था? Yes, sir. जलौका चिपका देता है, मतलब मृत्यु भी हो जाती है, उसे पता भी नहीं चलता, इतना खून चूस लेते हैं। तो परम सुकुमार मतलब साइलेंट डेथ है ना, पता भी नहीं चला उसको। तो ये परम सुकुमार विधि है जलौका, और अनुशास्त्रों में श्रेष्ठ है, किसने बताया है, चरक, चरक ने, चरक शास्त्र और अनुशास्त्र में श्रेष्ठ क्या है, वाग्भट ने, वाग्भट। फिर इसके बाद है सविशेष विशेषण जलौक भी, ये चिकित्सा एक में पढ़ेंगे, विषयुक्त शोध में विशेषकर जलौका का विधान है, चिकित्सा स्थान में बताएंगे इसको, और कई तरीके की जलौकाएं होती हैं, उसमें जो इंद्रायुधा जलौका है, कौन सी, इंद्रायुधा, ये जलौका का जो दंश होता है कैसा होता है, असाध्य होता है। ये भी पूछा जाता है कौन सी जलौका का दंश असाध्य होता है, तो याद रखिएगा कौन सी है, इंद्रायुधा, याद रहेगा, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, और सब बकवास क्वेश्चन रहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है जलौका का भोजन क्या है, वल्लूर जो होता है शुष्क मांस को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, शुष्क मांस, जलौका रहेगा पानी में ही तो क्या खाएगा, शैवाल एलगी को खाएगा, कशेरु है, सिंघाड़े हैं, कमलनाल है, जो भी वहां पर ये सब चीजें मिलेंगी वो जलौका का भोजन रहेगा, वल्लूर इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है जलौका प्राप्ति के लिए क्षेत्र, जलौका मिलता कहाँ पे है, तो चार जगह दिया हुआ है सुश्रुत में, यवन पांडे सही और पौधम, पांडे नहीं है वैसे पढ़ रहे, पांडे है वो, यवन पांड्य सह्य पौतन, ये पांडे के साथ पता नहीं कहाँ गया, ऐसे कुछ बनाए थे है ना, ये से यवन, पांडे से पांडे हो गया, साथ से सह हो गया, पता नहीं कहाँ पौतन हो गया, ये चार जो है जलौका प्राप्ति के लिए क्षेत्र हो गए, यवन पांडे सह और पौतन। आगे बढ़ा जाए, यस सर, अगला पॉइंट जलौका को रखने, ध्यान से देखिएगा यही कंफ्यूजन होता है, दो तीन पॉइंट आ रहे हैं तो कंफ्यूजन होता है, जलौका को रखने वाले जल को तीन तीन दिन के मतलब और घट को सात सात दिन के अंतर पे बदल देना चाहिए। सपोज करिए एक एक्वेरियम है, उस एक्वेरियम में आपने जलौका को रखा हुआ है तो उसका पानी कितने दिन में बदलना है आपको, तीन दिन,
तीन दिन में पानी को बदल देना है एक्वेरियम के, और एक्वेरियम ही कितने दिन में बदल देना है? ठीक है, याद रहेगा, पानी को तीन दिन पे बदलना है और पूरे के पूरे पात्र को सात दिन पर। फिर देखिएगा जलौका के ग्लानि हरणा, कभी कभी क्या होता है कि आपने जलौका को लगा दिया है रक्त चूषण के लिए, परंतु ग्लानि बहुत थक जाती है, अब जाती है कि जाता है मुझे नहीं पता है, स्त्री है कि पुरुष है, लेकिन खून चूस रही है तो स्त्री ही होगी, है ना, हम यहाँ रख नहीं, इसलिए हम उसको स्त्रीलिंग ही मान के पढ़ा रहे हैं। तो जलौका ग्लानि हरणा, अगर खून चूसते चूसते थक गई तो क्या होगा, उसको क्या लगाते हैं, सरसप और रजनी। रजनी किसको बोलते हैं? हल्दी। सरसप और रजनी के कल्प का लेप करते हैं कब, जब खून चूस के ग्लानि पूर्ण हो जाएगा, थक जाएगा, तो वहां पे करते हैं। और जलौका को रक्त चूषणार्थ क्या देंगे हम, रक्त और दूध। कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि स्किन पे हल्का सा रक्त लगा देंगे और हल्का सा क्षीर लगा देंगे वहां पे, समझ में आ रहा है? यस सर। लालच देने के लिए यहाँ पे खून लगाए अंदर से और खून मिलेगा। तो आरडी लिखा हुआ है, आर फॉर रक्त, डी फॉर दूध। कुछ पूछना है? नो सर। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि कौन रक्त चूषणार्थ था, कौन सा ग्लानि था, तो ग्लानि में आपका सरसप और रजनी ही है ना, वैसे भी खून चूसने के लिए खून ही लगाना पड़ेगा, ऐसे याद रखिएगा। तो रक्त और दूध जो है रक्त चूषणार्थ है। और ये कई बार पूछा गया है कि सम्यक रूप से रक्त अवसेचन करती जलौका, आप कैसे जानेंगे, आपने जलौका लगा दिया है तो कैसे आप जानेंगे कि ये जलौका अब रक्त को खींच रहा है, रक्त को आचूषण कर रही है, ठीक है ना। तो अश्व खुर वदन आनन उन्नत स्कंद, जैसे घोड़े का खुर होता है उस तरीके से जलौका का जो शरीर होता है थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देने लगता है, ठीक है, ऐसा आचार्य सुश्रुत ने एग्जामिन किया होगा, है ना, तो उन्होंने बता रखा है कि आप कैसे जानेंगे कि उसने जो है अपना काम प्रारंभ कर दिया है। तो अश्वकुर, ओरिजिनल कंटेंट याद रखिएगा, अश्वकुर वदन आनन उन्नत स्कंद, याद रहेगा? यस पूरे चैप्टर में यही है सर, जितना पॉइंट बता रहे हैं वही वहां भी आप पढ़ेंगे, कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, समझ रहे हो। फिर इसके बाद आपने अगर पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में, हम लोगों ने एनिलिडा फाइलम जब पढ़ा था तो एनिलिडा में एक जोंक होता था हिरुडिनेरिया ग्रैंडुलोसा, और एक होता था एनिलिडा में अर्थवर्म। तो हम लोग परेशान करने के लिए उसको उस पर नमक डाल देते थे, नमक डालते ही वो जो केचुआ होता था वो बिल्कुल सिकुड़ जाता था, जैसे मर जाता था, ऐसा बचपन में बहुत किया हुआ, ठीक है ना। तो वहीं से ये कॉन्सेप्ट याद रहता है कि शायद एनिलिडा फाइलम को नमक से एलर्जी है। तो जलौका को अगर वहां से हटाना है जहां से आपने लगाया हुआ है रक्त आचूषण करने के लिए, अगर उसको डिटैच करना है, वैसे तो हटेगा नहीं, आप कितनों भी खींचिए उसको, कहते ना जोंक हो गया, एकदम चिपक गया, ऐसा बोलते हैं ना मुहावरा, yes, sir. वैसे तो हटेगा नहीं, तो उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, सैंधव लगाएंगे, सैंधव, ठीक है, सैंधव लगाते हैं वहां से वो डिटैच हो जाएगा। ये कुछ पॉइंट हमने आपको बताया कि असाध्य जलौका कौन सा है, वल्लूर शैवाल ये सब प्रयोग करते हैं उसको देने के लिए, कहाँ पे मिलता है, तो वो हमने आपको बताया, ये पांडे के साथ पता नहीं कहाँ गया, इस तरीके से आपको याद रखना है। पानी कितने दिन में बदलना है, घड़े कितने दिन में बदलना है, सर तीन और सात, तीन सर। रक्त आचूषण के लिए क्या देंगे वहां पे, कैसे पता लगाएंगे वो आचूषण कर रही है जलौका की नहीं कर रही है, उसको हटाने के लिए क्या करेंगे। अब इसके बाद है जलौका जन्य व्रण पर लेप, आपने उसको हटा लिया और वहां पे व्रण अगर बन गया है, घाव बन गया है, तो वहां पे क्या लगाएंगे, ठीक है ना, शत धौत घृत। और यहाँ पे हमने एक क्योर लिखा है, ये देखिए, तो घड़े को सात दिन पे बदलने के लिए कह रहे हैं सुश्रुत, वाग्भट ने कितने दिन बदलने के लिए कहा है, पांच दिन पे, दिख रहा है, यस सर। तीन पॉइंट और है, जैसे देखिएगा मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे
सम्यक योग अगर आपने किया है तो शद्धौ घृत लगाएंगे, हीन योग हुआ है तो मधु यानी कि शहद से घर्षण करेंगे और अतिस्राव की स्थिति में शीतल जल से सिंचन करेंगे। समझ में आया? तीन कंडीशन है, सम्यक योग में शद्धौद्धृत, हीन योग में मधु से घर्षण, सुश्रुत ने भी बताया है, सुश्रुत ने भी बताया है, सम्यक योग, हीन योग और अतिस्राव। अतिस्राव में क्या करेंगे? शीतल जल से सिंचन करेंगे। वैसे भी ठंडा जल या उसको बर्फ समझ लीजिए तो स्तंभन का कार्य करता है ना, स्तंभन का कार्य करेगा। अगर कहीं स्राव हो रहा है तो वहां पे शीत एप्लीकेशन वहां पे करेंगे। तो ये तो तीन हो गया। इसके साथ ही साथ जलौका के वमनार्थ प्रयोग, अगर जलौका को वमन कराना है तो क्या प्रयोग करेंगे? तैल सैंधव लवण। अगर जलौका को वमन कराना हुआ, मान लीजिए अगर बहुत ज्यादा उसने रक्त आजूषण कर लिया, उसको वमन कराना है तो क्या कराएंगे? उसको वमन किससे कराएंगे? तैल सैंधव और लवण से। ठीक है, अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था कि जलौका के ग्लानि हरणार्थ क्या प्रयोग करते हैं, क्या था? सरसप कुछ उसी से मिलता जुलता एक पॉइंट ये है, दुर्वांता मिला। असम्यक वमन पश्चात जलौका में उत्पन्न लक्षण, लक्षण को बोलते हैं दुर्वांता। जलौका का जल में डूबना, जलौका बहुत थक गई, बहुत ग्लानिपूर्ण हो गई है, तो ऐसी कंडीशन उसको क्या नाम दे रहे हैं? दुर्वांता। ठीक है, असम्यक वमन, या तो हीन वमन हो, सॉरी कम योग हो जाएगा अगर प्रॉपरली रक्त नहीं सक किया उसने, या बहुत ज्यादा अगर रक्त आजूषण कर लिया, ये दोनों असम्यक में आ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में इसको हम नाम दिए हैं दुर्वांता। और इसके बाद है सम्यकवांता। सम्यकवांता में क्या है? सम्यक वमन पश्चात जलौका में उत्पन्न लक्षण। सम्यक वमन किससे करा रहे हैं? ये जब आपने तैल सैंधव और लवण से आपने सम्यक वमन करा दिया तो उसमें जो लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, और दुर्वांता जलौका, इसी दुर्वांता जलौका को जो ग्लानिपूर्ण हो गया है, उसी दुर्वांता जलौका को, यही कंफ्यूजन होता है, ध्यान सुनिएगा, जो मेरा गलत हुआ था, मेरा गलत हो चुका है। दुर्वांता जलौका किसको बोल रहे हैं? असम्यक वमन के पश्चात जलौका को बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो इस दुर्वांता जलौका को कौन सा रोग हो जाता है? इंद्रमद। क्या हो जाता है? इंद्रमद। ये इंद्रगद दुर्वांता जलौका का रोग है। एक हमने आपको ऊपर इंद्र करके बताया था, अभी इंद्रायुधा तो अलग चीज है, उससे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। वो इंद्रायुधा एक प्रकार का जलौका है जिससे दंश जो होता है वो असाध्य होता है, वो टाइप ऑफ जलौका हम समझ सकते हैं। और ये क्या है? इंद्रगद जलौका को डिजीज है। गद वैसे भी बीमारी होती है, गद का मतलब क्या है? बीमारी का पर्याय है। व्याधि हुआ दुर्वांता जलौका को होने वाला रोग, इसी इंद्रगद को वाघभट ने क्या बोला है? रक्तमत्ता। रक्तमत्ता बनारसी लोग जानते होंगे, वहां पे एक जगह है, कौन सी? ककरमत्ता है। उसी से याद रहता है मुझे कि बनारस में है रक्तमत्ता, ककरमत्ता, और जलौका को होता है रक्तमत्ता। याद रखिएगा, इंद्रगद कहिए चाहे रक्तमत्ता कहिए, ठीक। एक बार प्रयुक्त जलौका पुनः 7 दिन बाद प्रयोग करें। अगर आज आपने जलौका को प्रयोग किया है तो उसी जलौका को कितने दिन बाद प्रयोग करना है दोबारा? 7 दिन बाद। ये नहीं उसी को उठाएं, चलो तुम ही तो हो मेरे पास, बस एक और तो मुझे जलौका मिल ही नहीं रही है, तुम ही से हम कल फिर कराएंगे, ऐसा नहीं करना। उसको कितने दिन आराम देना है? कम से कम 7 दिन आराम दे, 7 दिन बाद ही प्रयोग करना, ठीक है। और जो इंद्रायुधा जलौका है, इसकी चिकित्सा वाघभट ने विष की पित्त चिकित्सा यानी पित्त शामक चिकित्सा करते हैं, यहाँ पे हमने लिख रखा है। और एक चीज और लिखा हुआ, एक बार में मैक्सिमम कितनी जलौका का प्रयोग करते हैं? ये लिखा हुआ 10। फिर इसके बाद 12 प्रकार की
चलौका है जिनमें छह सविष है और छह निर्विष है। पढ़ा है सर? यस यस सर। तो जलौका जो है दो प्रकार की, पहले तो हम बोलेंगे सविष और निर्विष। कितने प्रकार की? दो प्रकार की, सविष और निर्विष। फिर ये दोनों फिर छह छह प्रकार की होती हैं, है ना। तो अंडरस्टूड है कि हम चिकित्सा में प्रयोग कर रहे हैं तो निर्विष जलौका का ही प्रयोग करेंगे ज्यादा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम निर्विष जलौका की बात कर रहे हैं। कौन कौन सी है उसमें? कपिला है, पिंगला है, शंकुमुखी है, मूषिका, पुंडरीक, सांवरिका, ठीक है। कुछ भी ट्रिक बनाना हो बना लेना, हमको बताना है कि कपिला जो है मनाशिला या मूंग के समान है। लक्षण पूछा जाता है कि मनाशिला या मूंग के समान कौन सी जलौका होती है, तो कपिला है। तो बना सकते हैं कपिल का मन मूंग के समान। हाँ, कपिल का मन मूंग के समान, तो ऐसे बना सकते हैं, तो कपिला हो गया। फिर इसके बाद पिंगला है। पिंगला रक्त वर्णी है, आशुगामी। पिंगल वैसे भी होता है, आशुगामी का मतलब होता है जो बहुत फास्ट मूव करे, बहुत तेजी से चले। तो आशुगामी कौन है? पिंगल, ठीक है, रक्तवर्णी और आशुगामी। तीसरा है शंखमुखी, यकृत वर्णी। जो शंखमुखी है वो कैसी है? वो यकृत वर्णी, यकृत के वर्ण। यकृत का वर्ण कैसा होता है? चॉकलेट कलर का होता है, भूरा, डार्क ब्राउन। तो जो शंखमुखी है वो यकृत वर्णी है, ध्यान दीजिएगा, वो आशुगामी था और यहाँ पे शीघ्र पायनी है, दोनों शब्द अलग अलग। तो आशुगामी, यही कंफ्यूजन होता है, आशुगामी पिंगला है और शीघ्र पायनी शंखमुखी है। नेक्स्ट पॉइंट मूषिका, नाम से ही है मूषिका, तो मूषक के समान आकृति है। जो चूहे होते हैं बहुत दुर्गंध देते हैं, जहां पे चूहे होते हैं ना वहां पे दुर्गंध बहुत आती है, तो अनिष्ट गंध वाली है ना, दुर्गंध नहीं अनिष्ट गंध वाली है ना। पुंडरी मुदग वर्णी। अब यहाँ पे फिर कंफ्यूजन होता है, देखिए तीन जगह वर्ण, चार जगह वर्णी इसमें मिलेगा आपको। एक रक्त वर्णी वो पिंगला में आएगा, यकृत वर्णी शंखमुखी में आएगा, मुदग वर्णी मूंग के समान पुंडरी, और पद्म पत्र वर्णी सांवरिका, है ना, पद्म पत्र वर्णी सांवरिका। 18 अंग होंगे, लंबाई और किसी में नहीं बताई है, सिर्फ और सिर्फ सांवरिया में बताई है, सांवरिया, है ना। एडल्ट की आयु होती है 18, है ना, तो सांवरिया बने 18 में, है ना। 18 याद रखिएगा, जो नंबर 18 दिया है वो सांवरिया यानी सांवरिका में दिया हुआ है, और कमल के समान है ना, पद्म पत्र के समान है, और यही सांवरिया जो है पुरुषों में नहीं जानवरों में प्रयोग हो रही है, ठीक है। तो जानवरों में, पशुओं में कौन सी जलौका प्रयोग हो रही है? सांवरिका। गंध किस में आ रही है? अनिष्ट गंध मूषिका। मूषिका यकृत के समान शंखमुखी। शंखु, अगर यकृत का भी शेप देखेंगे तो कुछ ट्रायंगल टाइप का होता है, है ना सर, आगे से। हाँ, तो वैसे शंखमुखी में यकृत याद रहता है, शीघ्र पायनी याद रखिएगा, पिंगला रक्तवर्णी है ना, और उसके बाद पुंडरीक जो है, वैसे तो हमारा दिमाग जाता है पुंडरीक किसको बोलते हैं, कमल का पर्याय, कमल को, वहीं से हम कंफ्यूजन में पुंडरीक को ही पद्म पत्र वर्णी लिख देते हैं, लगा देते हैं। समझारा गलती कहाँ होती है? यस सर। गलती मत करिएगा, पुंडरीक जो है मुदग वर्णी है। तो मुझे नहीं लग रहा है कुछ ऐसा। हाँ, एक मुदग वर्णी है और ऊपर मुदग के समान है कपिला और पुंडरीक, जब भी ओरिजिनल पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे, इसको पढ़िएगा आप। अब इधर आइए सविष्ण, इसमें जो पूछा जाता है
लिख लीजिए कृष्ण कब जो आपको लगे बना लीजिएगा, मैंने अभी भी बना लिया, पता नहीं कैसे बन जाता है मुझे नहीं पता। कृष्ण कब गोवा, गो कृष्ण से कृष्णा हो गया, कब से करबुरा हो गया, गो से गोचंदन, आ से अलगर्दा गोवा, गोवा समुद्र, गोवा समुद्र में युद्ध किया। कृष्ण कब गोवा समुद्र में युद्ध किया, तो समुद्र से आपका सामुद्रिका हो गया, गोवा मैंने बता दिया, गोचंदना अलगर्दा, और युद्ध से इंद्रायुधा, और यही इंद्रायुधा अभी हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था क्या असाध्य होती है, असाध्य वहां लिखा भी है हमने पेन से असाध्य। ठीक है, कृष्ण नाम से समझ में आ रहा है काला है ना, तो अंजन चूर्ण के समान। सर इसके नाम सीक्वेंस ये तो नहीं आता, सर इसके नाम सीक्वेंस ये तो नहीं आता मैं, क्या कह रहे बच्चा? सर इसके नाम सीक्वेंसली तो नहीं याद करना है? नहीं नहीं सीक्वेंस में नहीं याद करना, सीक्वेंस में याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जहाँ पे सीक्वेंस रहेगा वहां पे हम उसी तरीके से फार्मूला बताएंगे, है ना। उसमें पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है कि पद्म पत्र वाणी कौन सी है, जलों का मुद्ग वाणी कौन सी है, अनिष्ट गंध वाली कौन सी है, यकृत वाणी कौन सी है, ये सब आपको तो कहो तो हम मंगाए थे, हम तो कह रहे मंगाए 1000 दिए ना दियो के कहना कि ले लियो सामान उमान कान को कान वो नहीं अपने लिए मंगाई ना तो सामान ले ही है ना जो जरूरत हुई। इतना काम रहता बच्चों के पास, बच्चे पढ़ते भी रहते हैं, घर का काम भी करते रहते हैं, पर वो कहीं बिजी है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, याद रहेगा वर्मी मत्स्य के समान कौन सी है, करबुरा, अलगर्दा रोम युक्त कृष्णमुखी, वहीं पे एक शब्द लिखा है महापार्श्व, अभी जब ओरिजिनल कंटेंट बुक पढ़ाए तो वहां पे आएगा। इंद्रायुधा आपका असाध्य हो गया, सामुद्रिका में विचित्र पुष्प कहाँ मिलते हैं, समुद्र में, तो लिख लीजिए विचित्र पुष्प आकृति सामुद्रिका है। गोचंदना गो वृषण अवध अधो भाग द्विधा कृति, तो गोचंदना भी अभी हम लोग ओरिजिनल कंटेंट वहां से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आपको ये पढ़ाया है, और धूमोपाद वहां बताया था ना कि नाक काम नहीं करता है, और गंध श्रवण ये सब नष्ट हो जाती है, ऐसे बताया था ना, रस की भी पहचान नहीं होती है, साधुओं का निष्पत्ति धूम, और फिर यहाँ पे रस का ज्ञान नहीं होता है, श्रवण ज्ञान नहीं होता है, तो याद रखिएगा ये सब, है ना। आवाज आ रही कि नहीं? यस सर। यस सर। सब पढ़ चुके हो यहाँ पे, कोई बताए, मैंने आपको बख्शीश बताया था तो ये आपके यहाँ पे आया हुआ है, तो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना बता दिया उतना सफिशियंट है। ठीक है, जितना बता दिया। हाँ, कवल ग्रह करने के लिए मधुर लवण अम्ल और कटु रस द्रव्यों का प्रयोग करते हैं, वो भी मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, चार रस बताए गए हैं वहां पे। फिर इसके बाद आता है लू लग जाएगा, है ना, उष्ण बात, तो वहां पे शीत उपचार मैंने बताया था, ठंडा कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, और क्या बताया था हमने, इंद्र जो बिजली गिर जाएगी वहां पे अगर दग्ध हो जाता है तो
किसी प्रकार से चिकित्सा लाभ नहीं होता है, किंतु अगर इंद्र वज्रादि दग्ध जीवित अवस्था में, वैसे तो बिजली अगर गिरेगी तो बचेगा नहीं, अगर बाई चांस बच गया है, ईश्वर की कृपा से बच गया है, सुश्रुत ने कह दिया है वैसे तो बचेगा नहीं, बाई चांस अगर गलती से बच गया है तो ये सब फलाना ढिकाना प्रदेह वगैरह काम करिए, ये आपको हम बता चुके हैं। नोट्स आपके पास है, यहां से अपनी बुक में सब मार्क कर लीजिएगा। परम सुकुमार तरीका अभी बताया था ना, उसमें नोट्स में था परम सुकुमार तरीका। यस सर। लिखा हुआ है परम सुकुमारो अयम, पता ही नहीं चलता किसमें किसमें करेंगे, राजा डरपोक दुर्बल स्त्री पता नहीं क्या क्या फलाना ढिमका सब देख लेना है ना। तो परम सुकुमार तरीका है ये हम पढ़ चुके हैं। वात पित्त और कफ क्रमशः श्रृंग जलौका और अलागू का प्रयोग, ये भी हम आपको बता चुके हैं। श्रृंग जो है स्निग्ध होने से वात का शमन करेगा, जलौका शीत होने से पित्त का शमन, और तुम्बी यानी जो तरुई टाइप की है जो रूक्ष होने से वो कफ शामक होती है। तो यहाँ पे सुश्रुत ने तीनों के गुण भी बता दिए हैं कि क्यों वात और पित्त और कफ दोष में इनका प्रयोग क्रमशः करते हैं। जो श्रृंग है वो स्निग्ध है तो वात में है ना, जलौका जो है शीत है तो पित्त में, और जो अलाबू है वो रूक्ष होने से कफ का शमन। बस वही सामान्य विशेष सिद्धांत हर जगह लग रहा है। श्रृंग जो है 18 अंगुल लंबा हमने बताया था आपको अभी, सम याद आ रहा है अभी वहां बताया था ना नोट्स में। यस सर। उष्ण वीर मधुर स्निग्ध सब पढ़ चुके, बस खाली फास्ट रिविजन कराएंगे चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद हमने आपको बताया था अलाबू कडु है रूक्ष है ना। अभी ट्रिक क्या होता था, रक्त आर के टी याद आ रहा है, लंबाई कितनी है 12 अंगुल लंबी। फिर इसके बाद आता है तीसरा जलौका, श्रृंग जलौका का पूरा पूरा चैप्टर ही जलौका पे है, इसके बाद जलौका ही चलेगा। जल ही आयु जिनका, उन्हें जल जलायुका कहते हैं, मतलब ओरिजिनल नाम क्या है उसका, जलायुका, मतलब जल में ही जो रहते हैं, जल ही जिनकी आयु है, तो यहाँ से हम जलौका की निरुक्ति कह सकते हैं ना, जलायुका। तो नवा नंबर श्लोक भी याद रखिएगा। फिर यहाँ पे आया है ता द्वादश तासाम सविशा शस्त्र तावत्य एव निर्विशा, मतलब वो 12 प्रकार की जलौकाएं हैं जिनमें 6 सविश और उतनी ही तावत्य एव मतलब उतनी ही निर्विश भी हैं, यानी 6 सविश और 6 निर्विश। क्लियर विकेट गया। yes, कल पढ़ाए, कल करें। यस सर। चलिए मैं बता दे रहा हूँ फास्ट एक बार हम पूरा, ये जो ना आपको चार्ट बनाया था ना, जो हमने आपको चार्ट बनाया था उसमें सारा का सारा बना हुआ है, किसका क्या लक्षण होता है इस पैराग्राफ में पूरा का पूरा इस श्लोक में आ जा रहा है वो, ठीक है। सविश और निर्विश दोनों, वो सविश का था ये निर्विश का था, है ना, ये सब हम भी आपको बता चुके हैं। क्या खाता है, कहाँ कहाँ मिलता है बताया था ना, यमन पांडे सह और पौतन क्षेत्र में अभी बताया था ना। yes, sir. कल हम लोग चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद विष रहित कहाँ पे रहती हैं, कैसे रहती हैं, क्या क्या खाती हैं, बल्लूर शैवाल ये सब लिखा हुआ है। 3-3 दिन पे पानी को बदलना है क्या, और घड़े कितने दिन बदलना है, 7 दिन। सब चीजें हमने आपको बता दिया है। अगर ग्लान युक्त हो जाएगा तो सरसप और रजनी का कल्क लगाते हैं, बताया था ना अभी। और फिर इसके बाद कैसे पता लगाएंगे कि रक्त आचूषण कर रहा है, तो यही अश्व खुर नख वदन जो बताया था ना, अश्व खुर वदन चीज है। और उसको हटाने के लिए सैंधव लवण का छिड़काव करते हैं, वो भी हमने आपको बता रखा है। तो कल इसको थोड़ा सा और एक बार देख लेंगे, रिवाइज भी हो जाएगा। दुर्वांता जो को इंद्रमद नाम की असाध्य व्याधि हो जाती है, ये भी हमने बताया। इंद्रमद को वाग्भट ने रक्तमत्ता बताया, ये भी हमने आपको बताया। एक बार प्रयोग हुई जलौका को 7 दिन तक पुनः प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये भी हम लोगों ने अभी पढ़ लिया। सम्यक योग में श्रद्धा उद्घृत का प्रयोग करते हैं, हीन योग में मधु का प्रयोग करते हैं, है ना, और अतिरक्त स्राव में भी शीतल चिकित्सा करते हैं, ये भी हमने आपको बता दिया है। बताया था अभी सब, कल फिर से रिवाइज कराएंगे तो सारी की सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। तो आपने देखा फास्ट ही सही मैंने आपको चीजें बता दी कि हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। तो कल एक बार
10 मिनट का बचा हुआ है,